हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और आज मैं बात करूंगी प्लम के स्क्रब के बारे में। तो दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ बी सेफ, अपने घरों में रहिएगा, जब तक ज़रूरी काम ना हो बाहर मत निकलिए। दोस्तों, आप जानते हैं देश में कोरोना कितना फैल चुका है, तो दोस्तों अपने और अपनी फैमिली को सेफ रखिए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और तो दोस्तों, मैं अब इसके बारे में बताती हूँ। तो इसका पूरा नाम है प्लम कैमोमाइल एंड वाइट टी ब्राइटनर फेस स्क्रब। ये देखिए, ये वो ट्यूब है, 75 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, यहाँ पे मेंशन है। और इसके इंग्रेडिएंट्स और हाउ टू यूज़ ये सब पीछे मेंशन है यहाँ पे। इसका प्राइस दोस्तों 375 रुपीज़ है और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। ये 100% वेगन है और आप जानते हैं प्लम के सारे प्रोडक्ट 100% वेगन ही होते हैं और इसमें कोई भी पैराबिन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके ट्यूब पे क्या क्या लिखा है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका टेक्सचर इस टाइप का है, थोड़ा सा क्रीमी है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं स्क्रब वाले, वो थोड़े से रेड कलर में हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो आपको शायद दिखे। ये आप देख सकते हैं, थोड़े रेड रेड पार्टिकल्स हैं इसमें। और इसके स्क्रब पार्टिकल्स जो हैं दोस्तों, वो थोड़े से हार्ड हैं, तो ये सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जिसकी भी सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन है, वो मत यूज़ करिएगा इसको। और ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है ये प्रोडक्ट। सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए इसका एक ग्रीन टी स्क्रब भी आता है, वो आप यूज़ करिएगा, वो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग जो एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है, वो ग्रीन टी ही लीजिएगा, इसको मत लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्क्रब सिर्फ वीक में 2 बार ही करना चाहिए, दो या तीन बार ही कर सकते हैं, और आप रोज़ मत स्क्रब करिएगा। और ये आपके डेड स्किन को रिमूव करेगा और फेस को क्लीन बनाएगा। और फेस इससे बिल्कुल, जो आपके फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, वो भी रिमूव होते हैं इस स्क्रब से। और मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रब फेस को थोड़ा सा ड्राई करता है। तो आप, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप भी आप ग्रीन टी वाला यूज़ कर सकती हैं, और या फिर आप स्क्रब करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा, जो थोड़ा सा हैवी मॉइस्चराइज़र हो। और तो स्क्रब का दोस्तों काम ही यही होता है कि डेड स्किन को निकालना और फेस को क्लीन करना, तो वो ये काम ज़रूर करता है और फेस को ब्राइट भी करता है। जैसा कि डेड स्किन हमारे फेस से निकल जाती है, तो फेस अपने आप ब्राइट लगने लगता है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये स्क्रब बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ करिए। और ये आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा, शॉपिंग वेबसाइट पर, Amazon, Flipkart और नायका, सब सारी वेबसाइट्स पे ये मिलेगा। और ऑफ़र भी आते रहते हैं प्लम के प्रोडक्ट्स पे, तो आप ऑफ़र देख के ले लीजिएगा। अभी शायद Amazon पे ऑफ़र चल रहा है इस पर, इस स्क्रब पे। तो वैसे ये 375 का है, लेकिन आपको शायद 318 का मिल रहा है Amazon पे। तो आप अगर अभी लेना चाहें, तो आप Amazon से बाई कर सकते हैं इसको। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये स्क्रब अच्छा है, आप ले सकते हैं। और अगर आपको इसका ग्रीन टी वाला यूज़ करना है, तो आप ग्रीन टी वाला यूज़ करिए। ये थोड़ा सा हार्ड है स्क्रब, तो अगर आपकी स्किन अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेगा दोस्तों। और इस पे लिखा भी हुआ है कि नॉर्मल, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, ये इस पे मेंशन भी है दोस्तों। और तो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस था इस स्क्रब के साथ, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।